राधे राधे। पशुपालन में मैं आज आपको बताऊंगा, बिल्कुल थ्योरी बताऊंगा, बोर्ड पे अच्छे से बच्चे की तरह समझाऊंगा, आप दो भैंस से कितनी कमाई कर सकते हो टोटल 3 साल में। अगर आप दो भैंस खरीदते हो उससे 3 साल में आप कितना कमाई कर सकते हो, आपको कितना घर से पैसा लगेगा, कितना प्रॉफिट करोगे, कितना उसका फीड दोगे, कितना वो आपको दूध देगी, दूध का कीमत कितना होगा, मार्केट में आप दूध कितने रुपये का बेच रहे हो, और लास्ट में आपको इनकम कितना प्रॉफिट जनरेट होकर आपके पास क्रेडिट होता है, यानी आपके अकाउंट में आता है या फिर आपके पास कैश आता है। और एक बात मैं बता दूं पशुपालन में, शुरुआत में बता दूं, जब भी आप भैंस खरीदो मार्केट से तो आप जब भी कोशिश करना कि फीमेल काफ, यानी कि कटरी के नीचे एक भैंस को खरीदने, भैंस है, भैंस के नीचे कटरी, फीमेल काफ होना जरूरी है पशुपालक भाइयों, तो आपकी बिजनेस आगे की ओर मुनाफे की तरफ जाएगी जाएगी। ठीक पशुपालक भाइयों, तो आप इस वीडियो में बने रहे शुरू से लास्ट तक। अगर चैनल पर पहली बार आए पशुपालक हो तो एक प्यास लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली थ्योरी समझाता हूँ, बोर्ड पर ले जाकर समझाऊंगा, बच्चे की तरह समझाऊंगा कि आप किस तरीके से आप भैंस पालन करके आप अच्छा इनकम जनरेट। पशुपालक भाई देखिए, आप दो भैंस से अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास दो भैंस है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा और साथ पहले थ्योरी बता दूं, क्योंकि अगर आपने थ्योरी कर लिया दो भैंस का तो प्रैक्टिकली आप खुद पे खुद कर लोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे पास दो भैंस है, ये मान लो दो भैंस है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं भैंस और कमाई। ठीक पशुपालक भाइयों, ये हो गए भैंस और हो गए कमाई, क्योंकि आप जब भैंस खरीद रहे हो कमाई भी आपको होनी चाहिए। अगर एक भैंस हमें 12 से 15 लीटर ठीक दूध देती है तो इसमें कमाई क्या होगा, कमाई। ओके पशुपालक, देखिए सिंपली पशुपालक मैं आपको बता दूं, दो भैंस है हमारे पास, आपने एक अच्छा सा सेटअप बनाया, कहीं से भी फार्म बनाया, आपने कैसा भी आपके पास फार्म हो कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास हो सकता है फार्म ना भी हो, आप हो सकता है जैसे कि हम लोग गांव में रखते हैं, हम लोग बाहर में रखते हैं गाय को, आप गाय भैंस को बाहर में रखो, उसको आप खाना आप कितना दोगे, कितना उसका प्राइस पड़ेगा। तो आप यहां तक देख लो, दो भैंस हो गए हमारे पास, और भैंस और कमाई 12 से 15 लीटर वाले आपको भैंस खरीदना है। अब बात करते हैं हम इसका प्राइस क्या होगा, इसको हम एक बार रफ करते हैं, हम बात करते हैं भैंस का कीमत, यानी भैंस का कीमत। ओके पशुपालक भाइयों, भैंस का कीमत क्या होगा, एक भैंस मान लो 80,000 रुपये का आता है। ठीक पशुपालक भाइयों, क्योंकि ऑन एन एवरेज मेरे गांव का जो रेट है अभी 80,000 के आसपास भैंस का रेट चल रहा है, वो दूध कितना दे रही है, 12 से 15 लीटर। ठीक पशुपालक भाइयों, 12 से 15 लीटर दूध दे रही है हमें, 80,000 का एक भैंस हो गया तो मल्टीप्लाई कर देते, अगर दो से हम करेंगे तो 1,60,000 रुपये हो रहा है। पशुपालक भाइयों मैं आपको बता दूँ, 1,60,000 रुपये का हमने दो भैंस खरीदा है। अब हम बात करते हैं पशुपालक भाई, इसमें कितना हमें खर्चा क्या हो, यानी कि इसमें भूसा कितने रुपए का आएगा, इसका फीड कितने रुपए का आएगा, कितने रुपए का हम इससे मुनाफा कमाएंगे, पूरे ब्याज उसको कितना हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक पशुपालक भाइयों, अब बात करते हैं हम जो भैंस हम लेते हैं, अगर एक लीटर हमें भैंस दूध दे रही है तो एक लीटर लीटर ठीक दूध का कीमत, ठीक पशुपालक भाइयों 55 रुपया होगा, एक लीटर दूध का कीमत 55 रुपये अभी मेरे गांव में, यानी एक लीटर जो दूध है पशुपालक भाइयों उसका कीमत 55 रुपये अभी हमारे गांव में प्राइस चल रहा है। तो 55 गुना अगर हम 12 करते हैं, यानी 12 लीटर हमारे पास भैंस है तो उसका टोटल प्राइस आ रहा है 650 अप्रोक्स, मान लेते इसको 700 रुपये मान लेते, अगर यानी कि अप्रोक्स मान लेते 700 रुपये है, अप्रोक्स 700 रुपये मान लेते पर डे का इनकम है हमारा 700 रुपये एक भैंस से, एक भैंस से हमने कितना कमाया 700 रुपये, अगर इसको गुना करते दो से तो 1400 रुपये का हमारा पर डे का दूध हुआ पशुपालक भाइयों। ये 1400 रुपये का जो दूध आया, अब हम बात करते हैं इसमें कितने रुपये इसमें खर्चा होगा, यानी कि भैंस को कितना रुपये हम देंगे खाना खाने के लिए, कितना रुपये उसका भूसा आएगा, कितना रुपये उसका चारा आएगा, हमारा मजदूरी क्या होगा, पूरा मैं बात करता हूँ। आपने इतना चीज़ समझ लिया पशुपालक भाइयों, अब हम बात करते हैं भूसे की और फीड की, यानी कि कितने रुपये का उसका फीड आएगा, कितने रुपये का भूसा आएगा। तो बात करते हैं भूसे पे पशुपालक भाइयों, भूसा, बात करते हैं फीड पे, फीड, मजदूरी, मजदूरी पे बात करें पशुपालक भाई ठीक। ये तीन चीज़ हमें सबसे बड़ी चीज़ है, एक नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, क्योंकि आप भैंस रखे हो तो उसको भूसा भी देना है, आपको फीड भी देना है, और हमारा मजदूरी जो निकलना भी चाहिए। और बात करते हैं मुनाफा, चौथे नंबर पर मुनाफा, यानी कि मुनाफा हमारा क्या होगा। ठीक पशुपालक, ये चार चीज़ है, तीन चीज़ मैंने आपको बताया, चौथे पर हम बात करेंगे थोड़ा टॉपिक पे, इस पे मुनाफा के ऊपर। भूसा का प्राइस कितना होगा पशुपालक, कम से कम 7 रुपये केजी भूसा। फीड की हम बात करते हैं पशुपालक, तो फीड हमारा कम से कम 29 रुपये से
30 रुपये होगा पशुपालक भाई को। ठीक, बात करते हैं मजदूरी। एक दिन की मजदूरी अगर हम मानते हैं ऑन एन एवरेज किसी व्यक्ति का 500 रुपये गाँव में, 500 रुपये से कम नहीं होगा। मुनाफा क्या होगा, मुनाफा के ऊपर मैं डिटेल से बताऊंगा आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर एक भैंस 5 kg भूसा खाती है तो 7 गुना हम करते हैं 5 = 35, 35 रुपये का उसने भूसा एक टाइम खाया। ठीक पशुपालक भाइयों, तो 2 टाइम का हो गया 70 रुपया, 70 रुपये का उसने भूसा खाया। ठीक पशुपालक, सुबह और शाम, मैं लिख देता हूँ सुबह शाम। ठीक पशुपालक भाइयों, सुबह और शाम मिलाकर उसने 70 रुपये का भूसा खाया। अब हम बात करते हैं फीड पे। अगर मान लो हमारी भैंस अगर 1 किलो दूध दे रही है, अगर 1 kg वो दूध दे रही है भैंस, तो उसको हमें फीड कितना देना है, कम से कम 1.2 kg यानी आधा किलो हमें फीड देना है। अगर मान लो 1 लीटर दूध दे रही है हमारी पशु यानी भैंस, उसको हम आधा लीटर फीड दे रहे हैं। एक टाइम मान लीजिए हमारे पशु और 6 लीटर दूध देती है, तो हम उसको कितना देना है, 3 kg अनाज देना है यानी फीड देना है इसको। ठीक पशुपालक भाई, फीड 3 kg फीड, 3 kg फीड आपने एक टाइम फीड की कीमत कितनी हो गई, 90 रुपये। ठीक पशुपालक भाई, एक फीड की कीमत हो गया 90 रुपये। तो अब बात करते हैं मजदूरी। मजदूरी हमारा कितना, कम से कम 500 रुपये होना ही चाहिए, यानी कि अगर 8 घंटा हम किसी के पास काम करते हैं तो हमारा बेसिक मजदूरी 500 से 800 रुपये तक का होता है पशुपालक भाई। लेकिन आप एक खुद का अपना बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो ये मजदूरी आपको चाहिए, चाहे किसी को भी चाहिए, हर कोई। अगर आप एक लेबर भी रखते हो, नौकर भी रखते हो, खुद से काम करते हो, फिर भी आपको 500 से 800 रुपये प्रॉफिट पर डे का आपको इनकम होना जरूरी है पशुपालक भाई, तभी आप इस बिजनेस को करते हो। नहीं तो आप इस बिजनेस को, पशुपालन को आप नहीं कर पाते हो पशुपालन, क्योंकि आप बोलते हो बारह मुझे मुनाफा नहीं हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है, मैं भैंस बेच दूंगा, ये करूँ वो करूँ, उसमें क्या होता है कि आप लोग मजदूरी अपने ऐड नहीं करते हो। तो हमारा कम से कम मजदूरी 500 रुपये का पर डे होना चाहिए, क्योंकि हम किसी के पास अगर लेबर का भी काम करते हैं, हेल्पर का भी काम करते हैं, तो मजदूरी हमारी कितनी आती है पशुपालक भाई, कम से कम 500 रुपये आता है गाँव में। तो 500 रुपये हमारी मजदूरी होनी जरूरी है। तो 500 रुपये को मैं इसी तरह रखता हूँ, 800 को मैं यहाँ पर कट करता हूँ, मैं 500 रुपये एवरेज मजदूरी पकड़ता हूँ। तो 90 रुपये का हमने दे दिया क्या इसको, अब बात करते हैं 90 रुपये का हमने दिया इसको, 90 रुपये का फीड हो गया जी, और 70 रुपये का भूसा हो गया। अगर प्लस कर दिया जाए 9, 7, 16, 160 रुपये टोटल हो गए इसके, और 500 रुपये हमारा मजदूरी, टोटल हो गया जी 660 रुपये। 660 रुपये हमने कमाया किससे, एक भैंस से। इसको फीड हमने कितना दिया, 160 रुपये का हमने इसको भूसा और फीड हमने दिया इसको। ठीक पशुपालक भाइयों, हमारी मजदूरी कितनी थी 500 रुपये, टोटल कमाई कितना 660 रुपये, एक भैंस हमने कितना कमाया 660 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर आप एक भैंस 660 रुपये कमा सकते हो। तो दो भैंस अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं आपको पूरा एक बार क्लियर करता हूँ यहाँ पे, एक भैंस से मैं आप बताता हूँ आपको 660 रुपये आए। ठीक जी, 660 रुपये हमारा आया। तो दो भैंस अगर हमारे पास है पशुपालक भाइयों, तो टोटल हमारा 660 660 अगर जोड़ देते हैं, इसको ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं, तो 0, 12, 1, 13, 1320 रुपये हमारा पर डे का जी इनकम हुआ, यानी कि हमारा 1320 रुपये का इनकम हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसमें मुनाफा क्या है, अब बात करते हैं मुनाफा क्या है, इसमें मजदूरी क्या है, क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे किए, सर भूसा का रेट आप बताते नहीं हो, फार्म का रेट बताते नहीं हो, अगर मैं भाड़े पर रह रहा हूँ, रेंट पर रह रहा हूँ, क्या है नहीं, आपको पूरा डिटेल से बताऊँ, क्योंकि ये जो प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, गाँव में जो लोग भैंस रखते हैं, खेती साथ साथ करते हैं, ये उनके लिए। लेकिन मैंने भूसे का प्राइस इसलिए ऐड किया क्योंकि आपको लगे हाँ मैं भूसा भी खरीद के दे रहा हूँ, अनाज भी हमारा खरीद के आ रहा है। 30 रुपये kg में अनाज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पशुपालक क्या करते हैं, फीड देते हैं। फीड कौन सा देते हैं, कोई सा सुधा आहार, सुधा आहार हो गया, कोई सा फीड, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कोई सा फीड आप मिक्स करके आप 29 से 30 रुपये आपका kg फीड पड़ता है पशुपालक भाइयों। तो टोटल मैं बता दूँ आपको पशुपालक भाइयों कि लगभग मैं आप मान लो 160 रुपये के लगभग मैं मान लो आप पर डे आप एक भैंस के ऊपर खपत करते हो। ठीक पशुपालक भाइयों, अब हम बात करते हैं पशुपालक भाइयों कि मुनाफा, इसे हमारा मुनाफा क्या है। तो मैं आपको पहले बताया था पशुपालक भाई कि मुनाफा की तरफ जब मैं बात करूंगा तो उसमें टोटल विस्तार से बात करूंगा। हम बात करते हैं मुनाफा की तरफ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुनाफा स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में कि हमारा मुनाफा क्या होगा। मैं दो लाइन यहाँ पर खींचता हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आए। मुनाफा के ऊपर मैंने दो लाइन खींचा है, जब मैंने आपको क्या बोला था, एक कटरी भैंस के नीचे, एक कटरी भैंस के नीचे एक कटरी, कटरी
भैंस के नीचे क्या है, एक कटरी हमारे पास, यहाँ पे हमारा मजदूरी, ठीक पशुपालक भाइयों। तो देख पशुपालक भाई, भैंस के नीचे कटरी, यानी कि जो भैंस के नीचे जो बछड़ी आपका कटरी जो आपके पास होती है, वो आपका क्या हुआ, मुनाफा। मुनाफा इसलिए हुआ कि एक भैंस आप खरीदते हो 80,000 का पशुपालक भाई, ठीक ना। मैं आपको लिखता तो 80,000 यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक 80,000 रुपये हो गया जी। यहाँ पर आपने इसके नीचे क्या लिया, कटरी। कटरी की कीमत ऑन एन एवरेज अगर फर्स्ट लैक्टिस यानी फर्स्ट ब्यांत में उसकी अप्रोक्स कीमत 1,20,000 रुपये होती है पशुपालक, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ऑन एन एवरेज 1,20,000 रुपये कटरी की कीमत सिर्फ होती है। यानी कि पहले इलेक्ट्रीशियन के जो आपके पास कटरी होगी भैंस की बछी, उसकी कीमत 1,20,000 रुपये होगी। तो ये जो है आपका मुनाफा हुआ पशुपालक भाइयों, 1,20,000 रुपये कितने दिनों बाद, 2 साल बाद, क्योंकि ऑन एन एवरेज 2 से 3 साल लग जाता है कटरी को तैयार होने में, एक भैंस बनने में। तो ये आपका मुनाफा हुआ। मजदूरी की बात करते हैं पशुपालक भाई, तो मजदूरी एक महीने की मजदूरी की हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक दिन में अगर आप मान लो 800 रुपये कमा रहे हो, 800 रुपये गुना अगर मैं 30 करता हूँ, तो 24,000 रुपये का आपका बेसिक सैलरी यहाँ से दो भैंस से बनता है पशुपालक, यानी कि दो भैंस से टोटल कमाई आपकी कितनी है, 24,000 रुपये पशुपालक भाई। तो ये आप समझ गए पशुपालक, दो भैंस से हमारी कीमत कितनी हुई, कमाई कितनी हुई, 24,000 रुपये। प्रॉफिट यानी हमारा मुनाफा क्या हुआ, जो हमारे भैंस के नीचे कटरी हैं उससे हमारा मुनाफा हुआ पशुपालक भाइयों। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हो सर दो भैंस से जो है हम इतना कमाई कर रहे हैं, तो इसका मान लो अब सेड की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम फार्म की पशुपालक, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास फार्म नहीं है, या फार्म है फार्म रेंट पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास दो भैंस है जी, सर जी आपके पास अगर दो भैंस है, तो ये दो भैंस आप कहीं भी आपके घर में स्पेस होगा, मान लो स्पेस है जी, आपने आपके पास ज़मीन है, आपने दो भैंस अपना बांध दिया यहाँ पर ला के, यहाँ पर हो गया ये भैंस हो गया जी, मैं बात करता हूँ भैंस हो गया, फीड की बात करेंगे और बात करेंगे भूसा हरा चारा, ठीक है जी, ये तीन चीज़ हम कवर करेंगे, ये भैंस फीड भूसा और हरा चारा। तो जब हम भैंस का दूध निकाले थे कितना पशुपालक भाई, कम से कम दो भैंस है तो हमारी कम से कम दूध होनी चाहिए कितनी, 24 kg, दो भैंस से हमारा 24 kg दूध हुआ। फीड की बात करते हैं, एक भैंस 3 kg फीड खा रही है सुबह में और शाम में 6 kg, तो टोटल हमारा 12 kg पर डे का फीड हुआ। तो हम लिखते हैं 12 kg फीड, ठीक पशुपालक भाइयों। बात करते हैं हरे चारे और भूसा का, एक टाइम अगर हमारी एक भैंस अगर खा रही है 5 kg भूसा खा रही है, तो दो टाइम हमारे पशु कितना खाएगी, 35 × 2 = 70 रुपये का भूसा खाएगी वो, यानी 140 रुपये के दो भैंस ने भूसा खाया पशु। हरा चारा आमतौर पर हर किसान के घर में होता है जी, चलो इसका मैं मान लेता हूँ 200 रुपये हरा चारा का पकड़ लेता हूँ, 35 × 70 = 70 रुपये हो गया जी एक भैंस का एक टाइम का, तो 70 × 2 = 140, यानी दो भैंस 140 रुपये का भूसा हो गया जी, और 100 रुपये का आपका खा लेगा हरा चारा। दो भैंस है 200 रुपये का खाएगा, सॉरी मैं यहाँ पे 100 रुपये लिखा, दो भैंस का मैंने कीमत लिख दिया, हरा चारा 200 रुपये लिख दिया। तो टोटल अब हम इनको अगर प्लस किया जाए तो कितना हमारे पास एक करेक्ट एक्चुअल हम कितना कमा सकते दो भैंस से, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 24 kg हमारे पास दूध है जी, 24 kg दूध है और 55 रुपये लीटर है, 55 रुपये 24 kg हमारे पास दूध है, 35 रुपये लीटर है, तो 24 गुना अगर हम करते हैं तो लगभग में 1320 रुपये का अप्रोक्स आ रहा है इसका रेट, यानी कि 1320 रुपये एक दिन का कमाई है हमारा, ठीक पशुपालक भाई एक दिन का। अगर हम इसको महीने में कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्स ऑन एन एवरेज 39,000 रुपये हमारा आ रहा है पशुपालक भाई, ठीक, यानी कि 1320 को अगर हम गुना करते हैं 30 से तो 39,000 के आसपास हमारा अप्रोक्स हो रहा है किसान भाई, ठीक, यानी एक महीने का टोटल कमाई 39,600 है। मैं आपको बता दूँ अगर 39,600 रुपये अगर हम मान लो हम एक महीने में पशुपालक भाई कमा रहे हैं और हमारे पशु को कम से कम 5 महीना दूध देगी देगी भैंस, ऐसा तो नहीं कि जब भैंस आपकी है तो उसने दूध कम दिया, तो 5 महीने हम टोटल कितना कमाएंगे, तो 39,000 को अगर हम गुना करते हैं पशुपालक में 5 महीने से लगभग हम 1,98,000 रुपये यहाँ पर आ रहा है। तो 5 महीने हमने कितना कमाया, 1,98,000 रुपये हमने दो भैंस से कमाया पशुपालक में, दो भैंस का टोटल प्राइस कितना, 1,98,000 रुपये हमने भैंस के सिर्फ दूध से कमाया पशुपालक में। कटरी का प्राइस आप छोड़ दो क्योंकि कटरी जो है आपकी आगे का LIC है, कटरी को हम किस लिए तैयार करते हैं, वो हमारा एक LIC है पशुपालक में, कटरी जो है हमारा एक LIC है, वो 2 साल 3 साल बाद एक आपका फिक्स डिपॉजिट है, वो आपको पैसा देगी ही देगी, ठीक पशुपालक भाइयों, और अच्छा मुनाफा देगी।
आप यहाँ तक समझ गए पशुपालक कि हमारे 5 महीने जो कमाई है 2 लाख के आसपास आता है पशुपालक, या पर मंथ की कमाई की बात करें तो 39,000 रुपये के आसपास हमारा पर मंथ इनकम आ रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ फीड के ऊपर बात करूँ और भूसे के ऊपर बात करूँ पशुपालक। तो एक भैंस अगर हमारी 6 kg दूध दे रही है, 6 kg अगर दूध दे रही है, सॉरी 6 किलो अगर मान लो हम एक टाइम की बात करते हैं, एक टाइम हमारी एक भैंस 6 kg दूध दे रही है, एक टाइम की बात करें फर्स्ट टाइम की बात करें, सुबह का या शाम का आप ले सकते हो, मैं सुबह का ऐड करता हूँ ठीक पशुपालक भाइयों, फर्स्ट टाइम सुबह का बात कर रहे हैं ठीक। तो दो भैंस हमारे पास, तो हमारे पास कितना दूध हुआ 12 kg दूध सुबह का हुआ ठीक पशुपालक, और शाम का 12 kg। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ शाम का 12 kg टोटल कितना हुआ 24 kg। ये तो 24 kg हमारा दूध हो गया पशुपालक भाइयों। अब 24 kg दूध दे रही, इसके नीचे तो फीड होगा, फीड में हम अब जब फीड उसको दिए तो कौन सा फीड हम दे रहे हैं पशुपालक भाई। फीड का प्राइस मैंने आपको शुरू में बताया था 30 रुपये है ठीक पशुपालक भाई, 30 रुपये फीड का प्राइस है, यानी कि जो आप उसको दाना दे रहे हो फीड 30 रुपये आप उसको मार्केट से खरीद के दे रहे हो। एक अब बात करते हैं कम से कम एक टाइम वो 5 kg खाएगी खाएगी, अगर वो 5 kg अगर मान लीजिए अगर खाती है हमारे फीड, तो दो भैंस हमारे पास है तो 10 kg फीड खा रही है सुबह में, 10 kg सुबह ठीक पशुपालक भाइयों, फीड 10 किलो फीड खा रही है सुबह में ठीक पशुपालक भाइयों। मैं आपको बता 10 किलो जब फीड खा रही है उसका कीमत कितना हुआ 300 रुपये, 300 रुपये हो गया जी, सॉरी मैं 3000 लिख दिया, 300 रुपये हो रहा है। 10 kg शाम को खाएगी, शाम में भी खाएगी वो, उसका प्राइस कितना हुआ 300 रुपया, टोटल कितना हुआ 600 रुपया, और टोटल हमारा इनकम कितना था 1320 रुपया। 1320 रुपये मैंने आपको बताया था कि 24 लीटर दूध को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 55 रुपये से तो 1320 रुपये हमारा इनकम हुआ, यानी कि आधा आधी का आपका प्रॉफिट यहाँ पे आता है पशुपालक भाई दो भैंस से। अब बात करते हैं पशुपालक भाइयों हम जो भैंस 9-10 महीने 10 दिन पे बच्चा देती है, यानी कि 10 दिन पे भैंस बच्चा देती है ठीक पशुपालक भाइयों। अब हमें भैंस को बैठा को खिलाना भी, यानी कि मान लो वो 6 महीने तक हमारा दूध देती है, हम उसको 2.5 महीने 15 दिन उसको बैठा के खिलाना भी है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम दूध का हिसाब करेंगे, उसको 2 महीना 15 दिन बैठा के खिलाना भी है। आपने जो कमाई किया पशुपालन 2 से 2.5 लाख रुपये, वहाँ पर आप क्या करते हो, आप इसको पर डे का फिर से 300 रुपये का आप इसके ऊपर फीड देना स्टार्ट करते हो ठीक पशुपालक भाइयों। जब 300 रुपये का फीड देना स्टार्ट करते हो कम से कम मान लो 15,000 रुपये का फीड खाएगी, सारा कुछ खाएगी 15,000 रुपये का ठीक पशुपालक भाइयों, कम से कम 15,000 रुपये का फीड आपकी पशु खाएगी खाएगी, जो 2.5 महीने बैठी आपकी भैंस वो कम से कम 15,000 रुपये का आपके पास खाएगी, यानी जो बैठ को खा रही हो बाद में जो हमारा बच्चा देगी दूध देगी उससे अधिक दूध लाभ प्राप्त होगा, वो जब आपको जब भैंस बच्चा दे उससे आपका फिर से आपको प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा ठीक पशुपालक भाई। ये जो हम शुद्ध इनकम की बात करते हैं तो हमारा शुद्ध इनकम की बात करते हैं अब यहाँ पे कि हमारा शुद्ध इनकम क्या हुआ, शुद्ध इनकम मतलब टोटल इनकम हमारा क्या हुआ पशुपालक भाई। यहाँ पे पशुपालक भाई टोटल कमाई TOTL टोटल कमाई, यानी टोटल इनकम भी बोल सकते, मैं आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप टोटल इनकम करो, टोटल कमाई करो, आप कुछ यानी बोल सकते हो टोटल प्रॉफिट करो या पूरे आपने कितना कमाया। टोटल प्रॉफिट की बात करते तो फिर से मैं आपको समझा दूँ, दो लाइन आप मेरी बात को समझना पशुपालक, दो लाइन यहाँ मैंने लिखा है, हमने लगभग में कमाया कितना 2 लाख रुपए कमाया, कितने महीने में 5 महीने में ठीक पशुपालक, 5 महीने में प्रॉफिट हमारा क्या हुआ 2 कटरी ठीक पशुपालक भाइयों, ये 2 कटरी हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि ये 2 कटरी जो है अगर मान लीजिए 3 साल बाद अगर ये रेडी होती है तो ये आपका 3,20,000 रुपये दे के जाएगी ठीक पशुपालक भाइयों। ये 3,20,000 रुपये आपका एक LIC हुआ शुद्ध प्रॉफिट, आप मेरी बात खराब से समझना, दूध के ऊपर सिर्फ आप काम मत करो पशुपालक भाइयों, आप कटरी के ऊपर भी काम करो, क्योंकि कटरी जो आपका शुद्ध इनकम शुद्ध प्रॉफिट है, ये आपको पैसा दे के जाएगी, पैसा आपका लेके नहीं जाएगी, ये 3,20,000 रुपये टोटल आपका प्रॉफिट इधर से है, बछड़ी से कटरी से है ठीक पशुपालक भाइयों, और ये जो 2 लाख रुपये ही है 2 लाख के आसपास, तो टोटल हमारा कितना हुआ 5,20,000 रुपये हमने कितने दिन में कमाया पशुपालक भाइयों, कम से कम 3 साल होते होते, 3 साल से पहले यानी कि होते होते हमने कमाई टोटल कमाई ऐड करते हैं यहाँ पर लगभग में 7 लाख के आसपास हमने ऑन इनकम कमाया पशुपालक भाइयों, 7 लाख के आसपास हमने
कमाया। ठीक पशुपालक भाइयों, कैसे कमाया? 2 लाख हो गया और ये 3 साल तक चल रहा है, तो ये आपका कितना हुआ पशुपालक भाई? 3 गुना, तो 6 लाख तो आपका यहीं पे हो गया ना पशुपालक भाइयों, 6 लाख ये हो गया और 3 लाख 20 सर ये हो गया, लगभग में आपका 9 लाख रुपये आपका यहीं पर हो गया प्रॉफिट। ये 9 लाख रुपये आपने कितना कमाया? 2 भैंस। आप मेरी बात को मजाक मत लेना, सीरियसली लेना मेरी बात को। जिस भाई को लग रहा हो कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब आप कर सकते हो पशुपालक भाई। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आपको समझा रहा हूँ बोर्ड में प्रैक्टिकली आप किस तरीके से 2 भैंस से अपना जनरेट कर सकते हो पूरा बिजनेस को। 2 भैंस है मेरे पास प्लस 2 कटरी है, ठीक जी, 2 कटरी है मेरे पास। ठीक पशुपाल भाई, हमने 2 भैंस कितने का लिया? 1 भैंस का कीमत 80,000 रुपये गुना 2, 1,60,000 रुपये का हमारे पास भैंस आया। ठीक पशुपाल भाई, अब 2 कटरी की कीमत अगर हम ऐड करते हैं 3 साल बाद लगभग में 3,20,000 रुपये हमारे पास, सॉरी लगभग हमारे पास जो भैंस की जो कीमत है लगभग में दिन पर दिन जो 3 लाख जो यानी भैंस का रेट बढ़ता है, तो किसी भैंस की कीमत 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 रुपये तक जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन की कटरी अगर अच्छी नस्ल की आपकी 1,40,000 तक भी वो जा सकता है पशुपालक भाई, इसका कोई प्राइस फिक्स नहीं है। फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन कटरी का अगर आपकी भैंस दुधारू नस्ल में है तो 1,40,000, 1,30,000 तक फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन की कटरी आपकी जाती जाती है पशुपालक भाइयों। तो ये जो प्राइस है पशुपालक भाइयों आपको ऐड करना है और आपका इनकम ऐड करना है। टोटल आपकी इनकम कितनी? 9 लाख रुपये आपका इनकम हो रहा है 3 साल में पशुपालक भाइयों। और इससे आपको क्या हुआ, 2 भैंस से आपकी टोटल भैंस कितनी होगी? 6 भैंस हो गई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपकी 2 कटरी तैयार होगी पशुपालक। मैं आपको बता दूं कि ये 2 कटरी जो थी हमारे पास, ये 2 कटरी है, कटरी है। ठीक पशुपालक भाई, 2 कटरी तो हमारी तैयार हो गई है, 3 साल लगे। आपकी भैंस तो खाली नहीं है पशुपालक भाइयों। अब बात करते हैं जो हमारी भैंस यानी 2 कटरी की जो माँ है, ये भैंस है, 2 भैंस है। ठीक, 2 भैंस है, ये तो खाली नहीं है, ये भी गाभन है। ठीक पशुपालक भाई, गाभिन है, जब ये गाभन है, ये भी गाभन है, सब प्रॉफिट होता है, तो आपकी टोटल आपके पास, मैं बता दूं आपके पास 6 भैंस हो जाती है। भैंस हमने खरीदा था कितना? 2, हुआ कितना? 6 भैंस। प्रॉफिट आपका कितना? 9 लाख रुपया। ओके जी, ये टोटल 2 भैंस की कमाई है पशुपालक भाइयों। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताएं। अगर आपको लग रहा है मैंने आप सही जानकारी दिया है तो प्लीज़ एक बार जरूर मुझसे बताएं कमेंट सेक्शन में। और अधिक जानकारी के लिए पशुपालक मैं आपको प्रैक्टिकल एक लाइव वीडियो बता दूंगा पार्ट 2 में। ठीक पशुपालक, ये पार्ट 1 मैंने आपको थ्योरी आपको समझाया, प्रैक्टिकली मैं आपको फ्रंट पे आके समझा दूंगा। पार्ट 2 में आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं आपके लिए जरूर पार्ट 2 बनाऊंगा। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताएं आप। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।